सिगरेट के डब्बों के ऊपर लिखा रहता है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। उन्हीं डब्बों पे ऐसी ऐसी फोटोग्राफ्स भी लगी रहती हैं। जब भी आप किसी मॉल में मूवी देखने जाते हैं तो इसको हुआ क्या जैसी एड भी चलती रहती है। इन सब के बावजूद अगर सबको पता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ तो किसी भी सरकार ने आज तक सिगरेट्स को बैन क्यों नहीं किया। गंदा है पर गंदा है ये, लेकिन क्या सच में 35,000 करोड़ का रेवेन्यू प्रोड्यूस करती है ये इंडस्ट्री, साथ में 36 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। एक्साइज ड्यूटी में से 10% सिर्फ सिगरेट से आता है। पॉपुलेशन की दौड़ के अलावा चाइना से इंडिया एक चीज में और पीछे है, वो है टोबैको मैन्युफैक्चरिंग में। हाँ, ये कोई अचीवमेंट नहीं है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग भर भर के हो रही है और वो तब होगी जब बहुत डिमांड होगी। डिमांड होगी तो रेवेन्यू होगा और रेवेन्यू होगा तो सरकार खुश होगी। लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी किसी सरकार ने टोबैको को बैन भी कर दिया और ये सारा का सारा 36,000 करोड़ का रेवेन्यू जाने दिया, इस केस में क्या होगा? देखिए, डिमांड सप्लाई का सिंपल लॉजिक है। डिमांड मोस्ट लाइकली वही रहने वाली है, सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लैक और ग्रे मार्केट खुल जाएंगी और उस तरीके से पर्टिकुलर प्रोडक्ट महंगा हो जाएगा और अब तो सरकार को टैक्स भी नहीं मिलने वाला, इसीलिए सरकार सिगरेट्स बैन नहीं कर रही। लेकिन ऐसा कंटेंट बैन थोड़ी हो सकता है। अभी सब्सक्राइब करें।